कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद मध्य प्रदेश के कई कांग्रेसी नेताओं की बांछें खिली हुई हैं। कर्नाटक की जीत के साथ मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता मध्य प्रदेश के लिए भी इसे अच्छा संदेश मान रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कांग्रेस की जीत को बजरंग बली का आशीर्वाद बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कर्नाटक में झूठ और अफवाहों को छोड़कर जनता ने सत्य का साथ दिया, उसी तरह मध्य प्रदेश में भी आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की सरकार को जनता के साथ लूट करने वाली सरकार बताया। उन्होंने वचन पत्र पर भी अपनी बात कही और कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के लोगों के सपनों को साकार करेगी। सुनिए भोपाल में पत्रकारों के तमाम सवालों के जवाब देते हुए नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने क्या कहा। सवाल इस बात का है कि स्थानीय मुद्दे और स्थानीय नेताओं की को महत्व नहीं दे जो दल देते हैं उनकी दुर्दशा कर्नाटक विधानसभा के चुनाव की तरह होती है। स्थानीय लोग जो सुख दुख में जनता के बीच काम करते हैं उनकी उपेक्षा कर मनमानी तरीके से प्रत्याशी घोषित करना, ऊपर से बैठ के जो बरसों से जिन्होंने जिस पार्टी को खून पसीना लगा के इस सरकार में बैठने लायक बनाया उनका अपमान करके नई फौज लाना, हम नए लोगों के विरोधी नहीं हैं, उनको भी सब मालूम चाहिए नौजवानों को, लेकिन जो वास्तव में जनाधार है इनका, समाज में इनकी प्रतिष्ठा है, उनको अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। युवा बेरोजगार नौजवान और वरिष्ठ नेताओं को भी कांग्रेस पार्टी सम्मान दिया है उन्होंने कर्नाटक में, पूरे देश में देगी। जहाँ तक सवाल है कौन क्या भक्त है इससे हम सब मतलब देखते हैं, हम जनता से जुड़ी समस्या जनता के हित में जो निर्णय वो जनता की अपेक्षाओं को पूरा करे, बेरोजगारी हल करने का काम हो, महिलाओं के अत्याचार सम्मान के साथ जी सकें, नौजवानों को रोजगार मिले जो लगातार बेरोजगारी कारण आत्महत्या करने को मजबूर हैं, किसानों को फसल का मूल्य मिले, खुशहाली रहे, सिंचाई बिजली पानी की पूरी व्यवस्था हो। चुनाव में जिस तरह से बजरंग बली का आशीर्वाद मिला कांग्रेस पार्टी को, मध्य प्रदेश में भी वो आशीर्वाद मिला, मैं तो कहता हूँ कि मिला है और सच्चाई के मार्ग पे जो चलेगा उसको हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। जो केवल धोखाधड़ी करके हनुमान जी की याद करते हैं, बजरंग दल के नाम पर अन्य समाजों के साथ धर्मों के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं, उनको परेशान कर मारपीट गुंडागर्दी करके पीटने का काम करती हैं, ऐसे लोगों को न भगवान राम क्षमा करेंगे न महावीर हनुमान जी गदाधारी वो इसके लोगों को क्षमा करेंगे और उन्होंने सबक सिखा दिया। यहाँ पर कांग्रेस की गदा चलेगी या भाजपा? मैं तो देखो बताया साफ, राजनीति के नाम पर मैं किसी धर्म का उपयोग नहीं करूंगा, न मेरा स्वभाव है न मैं करता हूँ सर, लेकिन जिसकी जो आस्था करे, हम कौन से नास्तिक हैं, हम भी तो आस्था वाले हैं, हम सब की पूजा करते हैं, पांचवी क्लास में जब पढ़ते तब से हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसका प्रदर्शन नहीं करते, हम जनता का जिसमें हित हो, आम आदमी खुशहाल रहे, गरीब महात्मा गांधी द्वारा बताए गए चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं जो गांधी जी ने सिखाया है। जब कर्नाटक में मध्य प्रदेश से 19-20 भ्रष्टाचार था तो वहाँ जनता ने सफाए किए और ऐसा मध्य प्रदेश में भी शायद कोई विभाग नहीं बचा जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा अधिकारी कर्मचारियों और नेताओं द्वारा लुटाना गया हो, पूरा वित्तीय तंत्र बिगाड़ दिया गया है, सरकारी खजाना खाली हो चुका है, 4.5 लाख करोड़ का कर्ज ला दिया है, अब केवल कितने ही प्रयास कर लें शिवराज सिंह जी, चाहे लाडली बहना के योजना के नाम से पैसे दे दें और वो भी कर्ज लेके, पैसा है कहाँ, केवल हमारा तो सोच है जब आदमी जाता है दान पुण्य करता है, इसी प्रकार शिवराज सिंह जानते हैं कि हम 6 महीने के बाद
मध्य प्रदेश की जनता हमें बर्दाश्त नहीं करने वाली। शिवराज सिंह जी के चेहरे से मध्य प्रदेश के लोग देखना नहीं चाहते उस चेहरे को, इसलिए अब खजाना लुटाकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। खोखला कर दिया, दिवालिया हो चुका मध्य प्रदेश और जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। सच्चाई तो है कि हम जब से हम विधायक हैं, हनुमान जी के आशीर्वाद कृपा से ही हम आज लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मैं धर्म के नाम पर प्रचार नहीं करता। जी अगर किसी ने वीडियो वायरल किया है तो जिस प्रकार मोदी प्रधानमंत्री होकर झोपड़ी में नुक्कड़ समाए करके हनुमान जी के नाम पर वोट बटेरने का काम किया, हनुमान जी और भगवान राम समझ गए ये नकली स्वार्थी लोग हैं। कांग्रेस के साथी हमारे मित्र धर्म में विश्वास करते हैं, हनुमान जी की राम की पूजा करते हैं, विभिन्न धर्मों को पालन करने वाले लोग इस्लाम पारसी जैन सभी धर्मों का, कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों का आदर सम्मान करती है जो संविधान के तहत व्यवस्था दी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अन्य धर्मों के साथ भेदभाव करती है। इसी का तगड़ा जवाब कर्नाटक की जनता ने देकर मोदी को बता दिया कि आपकी हैसियत क्या है। जहाँ जहाँ हमारे भाषण वीर मुख्यमंत्री करीब 6-7 विधानसभाओं में गए, वहाँ एक के छोड़ के बाकी सब फट्टा साफ करके आए। कर्नाटक की जनता ने जब वहाँ बर्दाश्त नहीं किया तो मध्य प्रदेश की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी। पूरा मैं तो हमारे स्थानीय मुद्दों के संबंध में हमारे नेता कमलनाथ जी ने प्रत्येक जिले का वचन पत्र तैयार कर रहे हैं, कहाँ कौन सी समस्या है उसका वचन देंगे, और जहाँ तक स्थानीय नेता हमारे मौजूद नहीं होंगे तो पार्टी मौजूद नहीं हो सकती। केवल देश में बैठे मोदी 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 धराशायी हो गए। जनता ने कांग्रेस के शासन को बर्दाव 40-50 साल किए, बदलाव चाहती, बदलाव हुआ, लेकिन अब कांग्रेस समझ गई प्रदेश की जनता कि भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है, लूट खसोट वाली पार्टी है, प्रजातंत्र की दुश्मन पार्टी है। इसलिए लोगों ने कांग्रेस के प्रति अपमान सम्मान व्यक्त किया और पुनः कांग्रेस को भारी प्यार स्नेह और आशीर्वाद दिया। वचन पत्र समिति की आज बैठक हो रही है तो क्या